जय कुंज आरी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदना, जय व्रज जनरंजना, जय व्रज जनरंजना, जय यमुना तीरा वनचारी, जय कुंज नारी, जय यमुना तीरा वनचारी, जय कुंज नारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा नील माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा की जय, श्री श्री सीता लक्ष्मण हनुमत समेत रामचंद्र स्वामी भगवान की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं पर्जन्यसखितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते उपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे। कष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावतु सेव्यं भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति रेष्टिति। Before reciting the Shrimad Bhagavatam, the very means of conduct, one should offer us under the personal name of Narayana, Narayana should this purpose Mother Saraswati, what is the Narayana, Srila Vyasa Devata Vata. By regular attendance in classes on Bhagavatam and rendering of service to the people, all that is tapas up to the heart, almost completely destroyed, having service under the personal name whose place with transcendental songs is established as it is worth perfect. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, योन्त प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्ति धरस्वदाम्ना अन्यां सहश्च चरण श्रवण दुगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तस्मादगम्यकृत विक्लवीश्वरस्य सर्वात्मना मयि गृणामि यतामनीशं नीचो जया गुणमसर्ग अनुप्रविष्टः नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्युशेषण
प्रभु जी माता जी, मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरा शिक्षा गुरु, पहला शिक्षा गुरु स्वयं प्रभु है, उपस्थित है, उनके सामने बात करना मेरे को डर लगता है क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, सब कैसे भक्ति करना है उनसे सीखा है और उनसे उनसे सब कुछ सीखा है. Because I am indebted to him for lifetimes together, millions of lifetimes I am indebted to him. इसका हमको वो ऋण कभी we cannot give it back, it's impossible. And he and Kalchakra Prabhu are the two instruments made us Krishna conscious and gave darshan. महाराज का दर्शन मिला उनसे, उनसे वजह से. तो इसलिए उसका ऋण कभी भी मैं निपट नहीं सकता, मैं कभी पे नहीं कर सकता. तो इसलिए उसके सामने मैं बात करना है और उनके सामने बात करना है, मर्यादा विक्रम है. प्लीज आई एम आस्किंग फॉरगिवनेस, क्योंकि वो बच्चा कैसे बच्चा था, सब कुछ सीखा, भक्ति डेटी सब कुछ उनके सामने, उनके वजह से हुआ है. मेरा मेरा ये भक्ति का कारण वो है. सो आई एम ऑलवेज इंडेड टू हिम फॉर एवर लाइफ टाइम्स टुगेदर, यू नो. सो उनका भक्ति तो इतना टफ टाइम्स था, बट फिर भी वो इतना डिवोशनल सर्विस में है, इतना इंटेंस पे किया. 4:30 बजे पक्का महाराज की वजह से उनके घर में प्रोग्राम चल रहा था, मंगलारती. नेवर स्टॉप्ड मंगलारती, यू नो. 4:30 महाराज को हमको सबको डाटा है 2001 में, उनके बाद कभी छोड़ा ही नहीं 4:30 मंगला. यस प्रभु, वी वांट टू स्पीक समथिंग. हरे कृष्णा. स्वयं स्मृति प्रभु. सो और रूपाली माता जी, राधा चरण माता जी, दोनों राधा चरण महाराज जी रियली हमेशा नो मुदितात्मी मुद्दा में हमेशा जॉयफुल रहता है. कभी आई नेवर सीन एन मोरोस एनी टाइम, ऑलवेज ब्लिसफुल ब्लिसफुल कृष्ण कॉन्शियस, सच्चिदानंद, ऑलवेज आनंद. फैमिली का वजह से हम कृष्णा भावना निर्मित में थोड़ा सा वो है ना, आई कैन टेक ओनली अ बूंद, एक बूंद का प्रसाद मिला हमको, फिर भी वो बहुत ज्यादा है. इसलिए उनके सामने बात करना मेरे को बहुत डर लगता है. प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, इन फ्रंट ऑफ यू आई शुड नॉट स्पीक. मैं कोशिश करूंगा कृष्णा के बारे में बात करें. हम बात कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल प्लेन और आध्यात्मिक जगत में हम कृष्णा कैसे मिलना है, वासुदेव कैसे मिलना है. हम पढ़ रहे हैं 1:28, वासुदेव परामृता, वासुदेव परामृता बस पढ़ेंगे और परपोर्ट का वो हम परम ज्ञानम ज्ञानम के बारे में बात कर रहे हैं. सो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मकाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा प्रियाः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परांगतिः. ट्रांसलेशन, द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्ण, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड. द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस इज टू प्लीज हिम. योगा इज फॉर रियलाइजिंग ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज आर अल्टीमेटली रिवॉर्डेड टू हिम बाय हिम ओनली. ही इज द सुप्रीम नॉलेज. And all severe austerities are performed to know him. Religion is rendering loving service unto him. He is the supreme goal of life. Or, ये पैरा उनके बात करना है regarding culture of knowledge. वो पैरा हम पढ़ेंगे. This is also for culture of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing knowledge. By such culture of knowledge, one gradually becomes prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to the great spiritual master and self-control. The culture of knowledge. One becomes unattached to heart and home and become conscious of the miseries due to the birth, death, old age and disease. And all culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of God, Vasudeva. Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in culturing all different branches of knowledge. Culture of knowledge or leading one to the transcendental plane of meeting Vasudeva is real knowledge. So, physical knowledge in its various branches is condemned in the Bhagavad Gita as ajnana, or the opposite of real knowledge. The ultimate of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of the term of material existence, and then the experience of threefold life. So prolonging the miserable life of material existence nascent. But the same physical knowledge leading to the way of spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence and to begin the life of spiritual existence, the plane of Vasudeva. So isme
कल्चर ऑफ नॉलेज, मतलब ये वे हमारा वैदिक संस्कृति, संस्कृति बोलते हैं ना, वो संस्कृति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कैसे सीखना है वो उसके बारे में हम बता रहे हैं। वो उसके एक ही तरीका है, हम इंद्रिय प्रीति से आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण से कैसे मिलना है, क्योंकि हम तो इतना अटैच्ड है ये भौतिक संस्थान में, सो इसलिए हमको उसके बारे में हमको पसंद नहीं है बिल्कुल उनके जाने के। अभी भी इतना कष्ट होने के बाद भी हमको कैसे इधर जीना है, वही हमारा जीवित आशा, और भागवतम बोल रहे हैं ना, जीवित आशा हमको बहुत ज्यादा है। ये हमको आशा नहीं है कृष्ण के बाद, कितना भी तंग ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम संभालेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा सोच के हम इधर ही रहना चाहता हूँ हम लोग, हमको उधर नहीं जाने। बट फिर भी हमको मालूम नहीं, इधर वो जगत अलग है, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन है, वो आध्यात्मिक जगत अलग है, उनके बारे में हमको मालूम नहीं है, हमको सिर्फ ये भौतिक जगत के बारे में माता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो उसके लिए कैसे करना है, इसमें सादा वजह से आसान वजह से ये पकड़ नहीं सकता आध्यात्मिक जगत, इसके लिए थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। इवन मेटीरियल वर्ल्ड में हमको कुछ काम करना है, कुछ पैसा बनाना है, कुछ बनाना है, इतना आसान नहीं है, बहुत पैसा बहुत कम आता है, इतना मेहनत करके भी पैसा बहुत कम आता है, हमको मालूम है, क्योंकि जब दुनिया ऐसा है, क्योंकि सबको पैसा के पीछे है। सो मेटीरियल जगत में इतना मेहनत करना है और आध्यात्मिक जगत में कृष्णा से मिलना है और आत्मा और परमात्मा से मिलना है, इसलिए उतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको एक दृढ़ वृद्धा होना चाहिए। कैसे दृढ़ वृद्धा, उसके बारे में सोचना है, यही हमको वो ज्ञान हमको बहुत जरूरी चाहिए। वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आध्यात्मिक जगत में जाना है, हम बौद्धिक जगत में, इसलिए महाराज बोल रहे हैं सेम फिजिकल नॉलेज लीडिंग टू द वे ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब ये फिजिकल नॉलेज है ना हमारा कितना भी, वो सब हम कृष्णा का वस्तु ऐसा सोचना है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए हम तो वी डोंट हैव एनी राइट कंडम इवन द मटेरियल नॉलेज, हमको हमारे पास इतना राइट भी नहीं है हम कंडम कर सकते, रूपांतर कर सकते, क्योंकि वो शुद्ध डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, हम अशुद्ध है। इसलिए हम तो बहुत ध्यान से बात कर रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड सब कुछ कृष्णा का है ना, हम सर्वस्व प्रभु मत सर्वप्रभु मालूम। सो इसलिए helps one to end of the physical miserable life of physical existence and to begin the life. We have to begin the life. उसको आध्यात्मिक जगत में शुरू करना और इसके लिए दृढ़ व्रत होना चाहिए। इसलिए महाराज बोल रहे हैं मंगलारती करो, चैंटिंग करो, भागवतम पढ़ो, ये सब प्रयास करना है। This is the beginning. ये end नहीं। महाराज इसलिए बोल रहे हैं इनिशिएशन, मतलब आप इनिशिएट कर रहे हैं, आप डेली इनिशिएट करना है, मंगलारती डेली इनिशिएशन होता है। तो इसलिए वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इसके लिए वो हमको दृढ़ व्रता होना चाहिए, क्योंकि रोज दृढ़ व्रता नहीं होता, कभी एक दिन होता है एक दिन नहीं होता, हमको सोचता है वो अगले दिन करना है, हमको मन ऐसा नहीं मनता, मैं बोलता है ना आज नहीं करेंगे तो कुछ क्या 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 होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं, ऐसा मत सोचना है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में एंटर करना मुश्किल है। बार बोल रहे हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना के लिए बहुत मुश्किल है। सो इसलिए हम कैसे करते हैं, इसलिए हमको कृष्णा बोल रहे हैं भगवद गीता में परपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, वो कैसे दृढ़ व्रत होना चाहिए उसके बारे में हम सोच रहे हैं। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुना से, बोल रहे हैं 241 में वेरी क्लियर में बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं वेरी सीधा से, वेरी वेरी डीप टॉपिक, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कृष्णा 241 व्यवसाय का बुद्धि एक है कोरोन। पिछला वर्ष में बोल रहे हैं स्वल्पम से धर्म से त्राय तो मान रहे हैं, बट ये 241 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं स्ट्रांग बोल रहे हैं। उसको कृष्णा को मालूम है कि आप करना ही पड़ेगा व्यवसाय बुद्धि का, ये आप क्षत्रिय का कर्तव्य आप करना ही पड़ेगा, आपको आपको कोई चांस नहीं है। कृष्णा बोल रहे हैं आपको क्षत्रिय का काम करना है और कैसे करना है उसके बारे में मैं बताए। सो करना है आपको क्षत्रिय का काम, हम छोड़ के नहीं जा सकते, हम तो दीर्घ सूत्र नहीं बनाना है, इसलिए आप तो करना ही पड़ेगा। आप ये चोट ये रणपुर में चोट के आप नहीं जाते, आप नहीं जा सकते, इसलिए हम बोल रहे हैं दृढ़ व्रत होना, व्यवसाय
और परपोर्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए हमको बहुत चैलेंजेस होता है बौद्धिक जगत में, हमको बौद्धिक जगत में जगत है, हमारे आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक प्रयत्न कर रहे हैं उसमें भी बहुत ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स का मतलब कठिन होता है करने का, क्योंकि वो ऐसा ही है मटेरियल दुनिया ऐसा ही। सो इसलिए कैसे उसके पार करना है, कैसे उसके पार करना है, यही हमारा बहुत अंदर में होना चाहिए, यही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये बहुत सोचना बहुत इम्पोर्टेंट। सो इसलिए बोल रहे हैं व्यवसायत्मक बुद्धि की, बुद्धि का मतलब बुद्धि का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इस्तेमाल करना है। सो प्रभुपाद उनके परपोर्ट में इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा। सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं भौतिक स्थान में काम कर रहे हैं, ये सब कैसे करना है, क्योंकि वही ये क्योंकि हम हमारे लिए इंद्र प्रीति के लिए करेंगे तो बंद हो जाएंगे। कृष्णा इसने बोल रहे हैं 1857 सर्विस इन कृष्णा अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। सो इसके कैसे करना है, कृष्णा बोल रहे हैं भगवद गीता में, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा उद्योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम। चेतसा सर्वकर्म, चेतसा मतलब आपको चेतसा होना चाहिए, चेतना होना चाहिए, वो कुछ भी काम कर रहे हैं कृष्णा की वजह से कर। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मत्सन्न्य मतलब हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। महाराज इसलिए त्याग किया ना, महाराज 2000 में तो उनका स्ट्रोक हुआ, वो समय उनका प्रचार नहीं कर सकता है, इसलिए वो बोल रहे हैं मैं सन्यास दस को त्याग करूँ, त्याग करने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी बोल रहे हैं त्याग मैं प्रीच नहीं करूंगा तो मैं तो त्याग करना है। सो वी हैव टू डिटैच इवन द डिवोशन सर्विस, उसके अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, भक्ति में भी हम डिटैच होना चाहिए, मतलब हमको इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इतना अटैचमेंट, डिटैचमेंट का क्या बोलते हैं हिंदी में, अटैचमेंट हिंदी में व्हाट यू से इन हिंदी, सो डिटैचमेंट शुड बी अवर नेचर। महाराज बोल रहा था एक दफे अबूधाबी में एक क्लास ले रहा था, डिटैचमेंट शुड बी अवर नेचर, क्योंकि बहुत अटैच होता है उसको बहुत दुख होता है, सो डिटैचमेंट शुड बी अवर नेचर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर बोल रहे हैं सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियस, चेतसा सर्वकर्म, प्रैक्टिस अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड हु इज अ बोना फाइड रिप्रेजेंटेटिव कृष्णा। कैसे करना है, दृढ़ व्रत कैसे कर सकते हैं, ये ज्ञान आध्यात्मिक जगत में पहुंचने का कितना दृढ़ व्रत करना है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द मटीरियल एनर्जी, हम तो इतना बड़ा लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई इतना आसान नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा शरीर तो हमारा उम्र तो बढ़ रहे हैं तो शरीर तो कम हो रहे हैं, सो इसलिए बहुत बड़ा लड़ाई, इसलिए दृढ़ नहीं है तो मोस्ट मुश्किल। तो महाप्रभुपाद बोल रहे हैं नोज द नेचर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एज सच वेल वर्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब हम कृष्ण भावना अमृत में अच्छा करने का वननेस कैसे करना है उसके बारे में, दृढ़वत कैसे होना है उसके लिए बोल रहे हैं वननेस टू एक्ट फर्मली एंड ओबे द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमको दृढ़वत से और उनका पालन करना है, वो उसका आज्ञा स्पिरिचुअल मास्टर का आज्ञा पालन करना है, बहुत जिंदगी मन में रखना है, और कैसे करना है, वन शुड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन, उनका इंस्ट्रक्शन उनका आदेश हमको हृदय से लेना है, और इट शुड बी टेकन एज मिशन, मतलब हमारा गति वही होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ये परपोर्ट किधर से लिखा है ना मालूम है ना, प्रभुपाद ये 241 भगवत गीता सेकंड चैप्टर 41 बस उनका परपोर्ट, प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके बारे में संस्कृत में तात्पर्य लिखा, वो तात्पर्य से लेके वो इधर रखा, उनका वजह से वो तात्पर्य की वजह से वो रेसोल्यूट डिटर्मिनेशन वजह से प्रभुपाद का उनका वो स्टेटमेंट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्टेटमेंट लिया, वो अंदर से लिया है, और उसका स्टेटमेंट सब कुछ एंटायर इस्कॉन का फाउंडेशन ये सेकंड 241 बस सेव हुआ, सेकंड चैप्टर 41 इस्कॉन कैसे हुआ है उसके कारण यही, और प्रभुपाद प्रपोर्ट में लिखा है, प्रपोर्ट में लिखा है एंड वंस विजन, प्रभुपाद ऐसा सोच ले ये मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है वो मेरा स्पिरिचुअल मास्टर का सेवा करना, ये हमको ऐसा नहीं है हमारा
हमारा यही काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, उसका सम्मान में ऐसा ही होता है, हमको पैसा बनाना है, वो सोचते हैं हम, बट फिर भी वो हमारा मिशन कृष्णा, हम कैसे हम गुरु हमारा गुरु को सेवा करो, वो हम सोचते हैं, तो इसलिए जो प्रॉब्लम है। अब उनका है, उनका ही मकसद, जिंदगी का मकसद कृष्णा, वो कृष्णा का मेरा स्पिरिचुअल मास्टर और मेरा आध्यात्मिक गुरु को सेवा, उनका कैसे मिशन, मेरा मिशन, तो इसलिए वो मिशन लिया, वो इसके वजह से दृढ़ व्यवसाय, इसके वजह से वो इसका हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट, वो विश्वनाथ चक्र ठाकुर का स्टेटमेंट की वजह से इसका इसका इसका, सो वी आर सो मच इंडेटेड टू विश्वनाथ चक्र ठाकुर, उसका स्टेटमेंट उनका इंस्पायर किया और उन प्रभुपाद का स्टेटमेंट हमको इंस्पायर करना, यही हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए, वो इंस्पिरेशन लेके हम आध्यात्मिक जगत में और ट्रांसेंडेंटल फेथ फॉरगेट बोर्ड मीटिंग वहां से देखो व्यास देव का मिलने का अभी हमको अर्हता भी नहीं है, वी डोंट डिजर्व टू सी वासुदेव, बट फिर भी आध्यात्मिक जगत में स्टार्ट करना है, प्रभुपाद बोल रहे हैं हम बिगिन द लाइफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अभी शुरू करना है, तो हम एंड में नहीं जा रहे हैं, हम पहले शुरू करना है, कृष्ण भावना में शुरू करना है, हम शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत में पहुंचने का शुरू वो कर रहे हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना है, सो इसलिए सो क्यों स्पिरिचुअल मास्टर की इंपॉर्टेंस दिया वो तो हम तो मालूम है, ये सब जगह में बोल रहे हैं, यश प्रसादात भगवत प्रसाद, यश प्रसादान यश अप्रसादान नगति गुदोपि, सो ये अब आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर से आध्यात्मिक गुरु से हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हम जिंदगी में नहीं सीधा हमारा मिशन नहीं हो प्रसन्न नहीं हो सकता, सो हमको जिंदगी पर हमेशा हम दुख में रहते हैं, क्योंकि यही हमारा मिशन होना चाहिए, सो इसलिए हम किससे सीखेंगे, ऐसा ब्यूटीफुल वर्स प्रह्लाद महाराज बोल रहे हैं कैसे हमारा मिशन होना चाहिए, उसको उसको देखो उसका उसका उसको उसके सामने उसके वजह से उनका प्रेयर की वजह से उनका भक्ति की वजह से इतना आध्यात्मिक भक्ति बनाया, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, शुद्ध भक्त है प्रह्लाद महाराज, उनके सामने बोला नरसिंहदेव लॉर्ड नरसिंहदेव आया, सो इसलिए उसके क्या जरूरत है, वो क्या बोल रहे हैं वो हम जरूरत क्यों आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु से उनका सेवा करने के लिए हक मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे को आपको सेवा करना है बट फिर भी अभी आपको सेवा नहीं है, इसलिए ब्यूटीफुल वर्स प्रह्लाद महाराज 7:9:20 हम पहले भी डिस्कस किया बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्स, क्यों स्पिरिचुअल मास्टर मिशन का वो गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए, क्यों हमको ये जिंदगी का मकसद स्पिरिचुअल मास्टर का आदेश कैसे लेना है, वही वही बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एवं जन्म 7:9:28 एवं जनम निपतितं प्रभवा विकूप्य कामा विकाम मनुह प्रपत प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुरसिना भगवान् गृहीतः सोहम कथम न विसिजये तव प्रत्य सेवा, इसमें क्या बोल रहे हैं एवं जनम, प्रह्लाद महाराज बोल रहे हैं ये जन्म लिया है, एवं जनम निपतितं, मैं इधर पतित हो गया पीछे गिर गया, पतितं प्रभवा विकूप्य, ये प्रभा विकूप्य का मतलब ये जिंद ये संसार सागर से ये प्रभाव इतना बड़ा कूप में अंदर डूब गया मैं, प्रभाव कूपे काम क्यों डूब गया, कामा भी काम एक काम आता है उसके साथ दूसरा काम तीसरा काम काम रहते आते रहते, कामा भी काम अनुह प्रवत प्रसंग कृत्वात्मसात कृत्वात्मसात इतना आ रहे हैं इसलिए मेरे को क्या हुआ, कामा भी काम अनुह मीन्स हमेशा अनुह मीन्स कॉन्स्टेंटली ऑलवेज काम कैसे उसके ऊपर डूब गया किससे प्रसंग ये लस्टी डिजीज के अंदर प्रसंग वो प्रसंग लिया प्रभु का संग कृष्णा का संग लिया नहीं मैं ये संग लिया कामा भी कामम उसका संग लिया कामा भी काम अनुयह प्रपत प्रसंग उसका प्रसंग उसके साथ एसोसिएट किया मैं वो संग मिला हमको इसके वजह से हम डूब गया क्योंकि कामा भी कामम इसलिए हम संसार में सो हमारा नारद मुनि क्या हमारा नारद मुनि क्या किया नारद मुनि तो इतना बड़ा काम किया कृत्वात्मसात ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहे हैं उसमें सेम क्वालिटीज है प्रभुपाद राइट्स इन द वर्ड टू वर्ड मीनिंग कृत्वात्मसात सुरसिना कृत्वात्मसात मतलब क्या बोल रहे हैं कॉजिंग मी टू अक्वायर स्पिरिचुअल क्वालिटीज लाइक इट्स
मतलब नारद मुनि को हमारा महाराज को और द्रौपद को एक ही इच्छा है, उनको मेरे क्वालिटीज उनको मेरा मेरा डिसाइपल को होना चाहिए, मेरा शिष्य को सबको मेरा क्वालिटीज होना चाहिए और मेरा एक्सीड करना है, वही उनका उनका मन में है। इतना बड़ा ना दयाया सर्वभूतेषु, इतना बड़ा दिल है ना, साधव विश्वदाशया, विश्वदाश इतना बड़ा दिल है ना, इतना बड़ा हमको हम किसी को सीखते हैं भक्ति में सीखते हैं, हम हमको कैसा सोच रहे हैं उनको हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसा सोचते हैं, हम सीख रहे हैं भागवतम भगवदगीता सीखते हैं कैसे पढ़ना है सब कुछ सीखते हैं, बट फिर भी हम हमेशा याद रखते हैं उसका हमारा ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको हमारा टॉप सीक्रेट नहीं। ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, ऑफिस में भी क्या होता है, हम मेरे के साथ एक एक, एक, एक मैनेजर था, उनका एक ही मन में है किसी को सीखना है सब कुछ सीखना, वो सब कुछ वो 2006 में उसको 63 इयर्स ओल्ड हो गया बट फिर भी सीखने का मन नहीं, फिर भी सीखा नहीं है, फिर हम सीखा है वो क्या काम किया सब कुछ सिखाया हमको आराम से किया, वो बहुत बड़ा काम कर रहा था वो तो हम छोटा काम किया, उसका इतना बहुत टाइम ले रहा था हम कम कर दिया वो, तो हम दूसरा वो ये सब कंप्यूटराइज किया मैकेनाइज किया सब, इसके वजह से थोड़ा कम ले रहा था हमारा टारगेट सब कुछ कर सकते। सो इसलिए ये लोग जिंदगी में बौद्धिक दुनिया में हम सीखते ही नहीं, ये देखो ये आध्यात्मिक में इतना बड़ा विषदा गया सबको आपको क्वालिटीज लेना है, कृत्वात्म साथ सुरसिना सुरसिना, इसलिए वो सुरा का सिना बेस्ट अमनंद सेन की पसंद भगवान ग्रहित है उनके वजह से मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ कृष्णा और नसीबदेव मेरे को आपके साथ सेवा करना है, मेरे को कर्तव्य है ठीक है, मैं तो कृष्ण सेवा जीवेल सो कृष्ण रे नित्य दास, बट फिर भी मेरे को मन क्या बोल रहे हैं आपको सेवा करना है वो तो ठीक है, बट फिर भी देखो मेरे को आपको दर्शन मिला कृत्वात्म साथ इतना बड़ा क्वालिटी हमको पूछाया, हम तो अध्याम भौतिक जगत में कामा भी काम था उधर से हमको आध्यात्मिक जगत में पहुंच गया, इतना कृष्ण भक्ति तू ये भक्ति प्योर भक्ति दिया हमको, इतना प्योर भक्ति दिया है इसके वजह से हम आपको दर्शन ले सकते हैं कृत्वात्मनाथ सुरसिना भगवान गृहित है मैं आपको ग्रहण कर सकता हूँ, इसलिए सोहम कदम इसलिए हम कैसे उनका सेवा छोड़ के आपका सेवा कर सकता हूँ। सो इसलिए ये स्पिरिचुअल मास्टर का मिशन हमको हमारा मकसद होना चाहिए, हमका दूसरे का मकसद नहीं होना चाहिए, कृष्णा को मालूम है, देवी की प्रभु एक दफे बोल रहा था हमको इधर से हम जाएंगे गोलोक वृंदावन कृष्णा विलिंग आई डोंट नो फॉर मी मे बी बिलियंस ऑफ बर्थ्स फॉर ऑल ऑफ यू मे बी इयरलियर सो वंस यू गो यू कैन मेक आई वॉन्ट टेक शेल्टर ऑफ विल टेक शेल्टर ऑफ महाविष्णु महाराज हमको सेवा में लगाएंगे, दूसरा नहीं मिलेंगे नहीं पहले मिलेंगे हमारा महाराज, तो इसलिए ऐसा है सो हमको सेवा उनके सेवा मिलेगा हमेशा, कृष्णा का सेवा को इतना लायक नहीं है मैं समझा सबको नहीं मालूम आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू आर ऑल हाईली क्वालिफाइड बट मेरे को क्वालिफिकेशन है सो मेरे को कब जाएंगे वो दफे ऐसा सोहम खत्म न बसे तब बुद्ध से कैसे हमको सेवा जोड़ के सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनका, इसलिए देखो प्रभुपाद का प्रभुपाद का कृपाद कृपाद प्रभुपाद है ना दृढ़ प्रता है व्यवसाय तुमका बुद्धि है इतना व्यवसाय मतलब उनका मन में इतना दृढ़ प्रता है हम कैसे भी वो स्पिरिचुअल मास्टर्स का सेवा आध्यात्मिक सेवा उनका आज्ञा हमको करना है हमारा जिंदगी का मकसद, उसके ब्लड में तो ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया हूँ इसकी वजह से देखो उसका कितना वो झांसी में वो लीग ऑफ डिवोटीज चांद किया वो भारती भवन वो बोल रहा था मैं आपको दे रहा हूँ 7000 रुपीज दे दो मैं आपको दे दूंगा ऐसा बोल रहा था, पर फिर भी प्रभुपाद बोला मेरे पास पैसा नहीं है हम तो हमारा बिजनेस सब खत्म हो गया इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है मेरे को 500 रुपीज देना बहुत मुश्किल है इसलिए आप ना पैसा मत पूछना है ऐसा बोल रहे हैं, बट फिर भी क्या किया है वो बोल रहे हैं देंगे फाइनली क्या हुआ सब पुत्री डिसिपल्स मिला हमको तो शिष्य मिला प्रभुपाद और उनका प्रवचन इतना जोर से कर रहा था वो फिर भी क्या हुआ फाइनली वो एक गवर्नर था उधर झांसी में वो गवर्नर का वाइफ वो मगली सम्मेलन करना है उसको कुछ प्रोग्राम करना है सोशल वेलफेयर करना है उसकी वजह से वो सब ले वो जॉन लीग ऑफ डिवोटीज वो झांसी का फेल्यूर हो गया और दूसरा देखो उसका प्रयाग फार्मेसी वो तो खत्म हो गया
इस फैमिली वो इस वाइफ प्रिफर टी उनको भी रिजेक्ट किया, उन बच्चों को बुला आप आ जाओ मेरे के साथ हेल्प करो, ऐसा नहीं मेरे को घर देखना वही जिंदगी का मकसद ऐसा बोल रहा है वो आपका बच्चा उनका बच्चा। तो एंड ये इतना लेटर्स लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, कितना लेटर्स लिखा है सारा लीडर्स को। मैं आपको तरीका बताऊं कैसे ये इंडिया का संभालना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसे संभालना है आपका स्वतंत्र दिवस के बाद कैसे संभालना है मैं बताऊंगा। भगवदगीता का वजह से आपको भगवदगीता और भागवत की वजह से कैसे ये राजनीति करना है ऐसा सब बताया, इतना लेटर्स लिखा है, वो सारा लेटर्स ले लू पर फिर भी उनका मन में है जिंदगी का मकसद मेरा स्पिरिचुअल मास्टर को, इसलिए उनका मकसद क्योंकि वो मकसद कभी हटाया नहीं, इसलिए हमको भी ऐसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी, ये कल्चर अपना होना चाहिए, ये संस्कृति है वैदिक संस्कृति, यही हमको जरूर लेना है जिंदगी में, नहीं ले लेंगे तो क्या फायदा है जिंदगी का पर्पस क्या है, कुछ फायदा नहीं है। सो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में सोचना है और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होना चाहिए। आपको क्यों बुद्धि नहीं हुआ, सो बुद्धि के बारे में कृष्णा दो दफे बताया ये वर्ष में 241। सो इसलिए ये बुद्धि कैसे होता है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हमारा ग्रॉस बॉडी तो हमेशा तंग करते रहते और फिर भी ये ग्रॉस बॉडी के साथ सटल बॉडी होता है वो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर पे हमको इतना तंग करता है कि हमारा माइंड बोलता है आपको तबियत ठीक नहीं है, मंगलवार नहीं लेना है, आज एक दिन छुट्टी करो, कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। फिर भी हमको ये सोचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको सोचना है दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अब जिंदगी का मकसद और हमारा आध्यात्मिक गुरु से उनका सेवा हमको इतना जिंदगी का मकसद हो गया तो हमको कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ कृष्णा खत्म करेगा, कृष्णा सब प्रभु करेगा, हमारा ऑब्स्टेकल्स कोई भी है अटकने वाला है वो अटकने वाला सब कुछ मिटाएगा, मिट्टी में मिलाएगा। सो उनका कर्तव्य वो करेगा, हम सिर्फ को एक चीज वो इसलिए प्रभुपाद को सक्सेस फेल्यूर हो गया 1957 कंप्लीट फेल्यूर हो गया, फिर भी क्या हुआ 1965 में अमेरिका गया और अभी मान गया, क्योंकि उनका एक ही तरीका है, क्योंकि इसके वजह से और किधर से किधर गया की वजह से। सो हमारा कल्चर ऑफ नॉलेज हम तो आध्यात्मिक जगत में शुरू करना है, फॉरगेट अबाउट मीटिंग वासुदेव दैट इज द हाईएस्ट लेवल, वो उनके बारे में हम सोचते हैं, हम शुरू करना है, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं अब बिगिन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस, हम शुरू करना है आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत में कैसे हम जीना है इसलिए इधर शुरू करना है, ये भौतिक जगत में हम आध्यात्मिक जीवन जीना है यही बहुत जरूरी, यही सोचना है, यही हमारे मन में होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, ये दिमाग में होने के लिए इसलिए बुद्धि यूज करना है, ये बुद्धि का दो दफे बोला है, बुद्धि का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि और मन और अहंकार तीनों है, ये मन है ना, मन तो सबको कंट्रोल करता है, मन तो बहुत सटल नहीं है, इतना सटल नहीं है, इतना सूक्ष्म नहीं है, बट फिर भी कंट्रोल करता है बुद्धि को और अहंकार, अहंकार तो हमेशा बुद्धि के साथ वो कजन सिस्टर होता है ना, दोनों कजन सिस्टर, मन और अहंकार कजन सिस्टर होता है, सो इसलिए दोनों मिलाकर ऐसा ही करता है जिंदगी जीता है, ऐसा ही हमारा जिंदगी ऐसा ही चलता है। सो इसलिए हमको ये एग्जाम्पल की वजह से हमको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये बुद्धि ये मन और ये अहंकार क्या होता है, मन और अहंकार है दोनों कजन सिस्टर, सो हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे व्यवसाय आत्मिक बुद्धि, यही बहुत इंपॉर्टेंट, व्यवसाय बुद्धि कैसे करना है वही हमको कैसे उसका यूज करना है, बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना है, बुद्धि को हम यूज नहीं करते महाराज बोल रहे हैं ना, हमको 10% यूज करते हैं बुद्धि, बैलेंस 90% हम वापस जाते हैं वो मटेरियल नेचर को और बौद्धिक को वापस दे देते हैं, बौद्धिक दुनिया को वापस दे देते हैं, हम 90% नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम इतना इतना घटिया हम लोग इतना घटिया है, इसलिए हमको आप लोग को नहीं, मेरे को बोल रहा हूँ आप लोग को नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप तो इतना बड़ा डिवोटीज बेटा है उनके सामने ऐसा बोलना है मेरे को हक नहीं है। सो यही हमको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, अब मन में यही होना चाहिए,
हमको दृढ़ व्रता व्यवसायत्मक बुद्धि वो कैसे करना है, तो बुद्धि क्या है, मन क्या है, वो सब सोचना है। बुद्धि उसके बारे में हम अभी टाइम नहीं है तो हम दूसरा समय डिस्कस करेंगे। बुद्धि, मन और अहंकार। अहंकार तो मन के साथ कजन सिस्टर है। सो मन को कंट्रोल करेगा तो अहंकार कंट्रोल हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं। सो बुद्धि का कैसे कंट्रोल करना, ये इसके वो मेटीरियल भौतिक एग्जाम्पल देंगे तो हमको पता लग जाएगा। सो भौतिक भौतिक हम भौतिक एग्जाम्पल लेंगे तो पसंद आपको अच्छा होगा। तो ये बुद्धि क्या होता है, बुद्धि माता जैसा होता है, हमारा माता होता है, और मन हमारा बच्चा जैसा होता है, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा क्या करता है, इधर जाता है उधर जाता है, हमेशा खेलता है, नीचे गिरता है और पैर पैर में चोट पड़ता है, वो बहुत बहुत गंदगी काम करता है। मन ऐसा चंचल होता है, मन तो चंचल। सो मन छोटा बच्चा जैसा है, मन हमेशा छोटा बच्चा, और हमारा बुद्धि कैसा होना चाहिए, मदर का जैसा, उसको कंट्रोल करना है, वो माता का जैसा होना चाहिए। और क्या हो, सपोज ये मन चंचल में, चंचल में मतलब हमारा भौतिक जगत में हमेशा भौतिक बारे में सोचता है, इसलिए कि उसको डिजीज क्या है, भौतिक डिजीज, भौतिक भौतिक वजह से सोचते हैं, भौतिक सोच है, सो इसलिए उसको डिजीज भौतिक मेटीरियल डिजीज होता है, शरीर तत्व में होता है, आत्मा तत्व में नहीं होता है वो, इसलिए वो सोल अलग रहता है। और सोल को यूज करना है पहले ये आत्मा, ये इंटेलिजेंस, सोल हैज टू कंट्रोल द इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करता है। सो इंटेलिजेंस क्या होता है, माता होता है, और छोटा बच्चा होता है माइंड, और कजन सिस्टर उसके साथ ये अहंकार। अहंकार बारे में आप सोचते हैं, माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक अहंकार कंट्रोल हो जाता है। सो इसलिए ये माइंड छोटा बच्चा होता है, और इसलिए वो हमेशा ये मांगता है, वो मांगता है, ये खाता है, वो खाता है, हमको हमारा माइंड क्या क्या कितना प्रपोजल देता है, ये करो वो करो वो करो ये करो वो करो, ऐसा बोलते रहते हैं। सो इसलिए मन ऐसा सजेशन देते रहते, प्रपोज करते रहे, बहुत प्रपोज करते हैं, तो इसलिए मन हमेशा ये करो वो करो ये करो वो करो हमेशा। सो बच्चा कैसे ऐसा ये खेल खेलूंगा ऐसा ऐसा बच्चा करता है, तो इसके वजह से और कुछ भी कहता है, और कुछ भी कहता है पेट खराब होता है, और उसके पास हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसके वजह से हमें क्या होता है, हमको कृष्ण भक्ति में प्रसन्न नहीं होता, हमको मन में कृष्ण भक्ति में सुनना है और चैंट करना है, सबको पसंद नहीं होता। सो इसलिए हम मेटीरियल डिजीज में होता है। सो इसलिए मतलब ये मन, और मन छोटा बच्चा, उसका बुखार होता है, बुखार होने के बाद हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कौन है, कृष्णा और हमारा आध्यात्मिक गुरु, ये दोनों डॉक्टर, वो क्या बोल रहे हैं, आपको उसको ठीक करना है, ये की तरीका है, ये दवा ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और भगवद्गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, मंगलारती करो, ये सब करो, ये दवाई देते रहो, ये दवाई कड़वा होता है, ये दवाई पसंद नहीं होता है, ये दवाई स्वीट नहीं होता, ये दवा कड़वा है, बट फिर ये देना ही पड़ेगा, ये देगा तो ठीक हो जाएगा मन, ये छोटा बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं तो छोटा बच्चा नहीं, हमारा मन ठीक नहीं होगा, ये बोल रहे हैं ये आध्यात्मिक। सो ये आध्यात्मिक गुरु हमको हमेशा हमारा बुद्धि के वजह में बोलता है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम मन के वजह से इधर लेके इधर से जान जाते हैं, हमारा आध्यात्मिक गुरु का आज्ञा और कृष्णा का आज्ञा, ये कान से अंदर जाता है, वो कान से बाहर, क्योंकि हम बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, और फिर भी आध्यात्मिक गुरु हमेशा हमारा बुद्धि के बारे में बात करते हैं, व्यवसायत्मक बुद्धि, वो उनके बुद्धि के बारे में, ट्रांसेंडेंटल मतलब उनका एक ही है, हमारा यस इनवोक अवर ट्रांसेंडेंटल, मतलब हमारा इंटेलिजेंस आध्यात्मिक बुद्धि को उत्पन्न करना है, उत्पन्न करना उनका मकसद है, किसका, आध्यात्मिक गुरु से। सो आध्यात्मिक गुरु का एक ही काम है, वो हमारा आध्यात्मिक ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि का उत्पन्न करना है। अभी आध्यात्मिक आदमी गिर पड़ा हुआ है, नीचे पतिता है और सो रहे हैं, उसको उत्पन्न करना है और उसको उठाना है, वो जागना है, उसको जागना है, जागना इसको उठाना है, अभी सो रहे हैं, सो इसलिए उठाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो अध्यात्म। सो वो बोल रहे हैं, बोला ये बोलो, ये मन को बोलो, हरे कृष्णा नाम ले लो, चैंटिंग करो, मंगलारती करो,
गुरु महाराज इसलिए बोलते हैं हम हमारा हेल्थी होता है क्योंकि परम शोभनम बहुत ऑस्पिशियस होता है, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा क्या करते हैं, वो मदर क्या करते हैं, घर को लेके जाते हैं, बुखार बच्चों को लेके जाते हैं और उसके बाद ये दवाई 3 दफे 4 दफे देते हैं। इसलिए ऐसा भी हम करना ही पड़ेगा। हम रोज करेंगे तो हमको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये व्यवसाय बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि को इस्तेमाल करना। हमारा मन ऐसा बोलते क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को दवा नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है हमेशा। बट फिर भी हमको जबरदस्ती करना ही देना ही पड़ेगा, पड़ेगा बोलते हैं ना, पड़ेगा मतलब देयर इज नो ऑप्शन, उनको देना ही पड़ेगा, वो दवाई देना ही पड़ेगा। बंगलादेश पसंद नहीं है, 430 पसंद नहीं है, फिर भी देना ही पड़ेगा। वो मन को बोलना है ये करना ही पड़ेगा, आपको कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है आध्यात्मिक जगत में जाने का और पिंक होने का। ये भौतिक भौतिक दुख में है और आध्यात्मिक सुख में आना चाहिए, उसको आपको करना ही पड़ेगा। आप भौतिक जगत दुख में है तो भौतिक दुख में है और आध्यात्मिक सुख में जाना है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। मॉर्निंग मंगलारती करना ही पड़ेगा, भागवतम पढ़ना ही पड़ेगा और प्रचार करना ही पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा और सबको मर्सीफुल रहना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं हमेशा सबको मर्सीफुल करो, डोंट बी मर्सीफुल टू योरसेल्फ, बी मर्सीलेस टू योरसेल्फ। मतलब हमको कभी भी हम कृपा नहीं, हमारा शरीर को कृपा नहीं करना और हमारा शरीर और मन को कृपा नहीं करना, कृपा कभी नहीं करना। सो इसके वजह से क्या हुआ, वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट होने के बाद वो ठीक हो जाएगा और उसके बाद स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस शुरू करेगा। तो इसलिए यही सब शुरू होता है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना। ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग महादेवा बहुत दूर है, यही नॉलेज हमको बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत जरूरी है। और बुद्धि हमारा मदर जैसा होना चाहिए और उनका हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा को मैं कैसे दे देता हूँ, मेरा बच्चों को कैसे ये कड़वा मेडिसिन कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, ऐसा बोलने का कृष्णा को बोलेगा और हमारा आध्यात्मिक गुरु से बोलना है मेरे को कैसे दे सकता हूँ, ये तो मेरा एक ही बच्चा है उसके कैसे कैसे मालूम, ऐसा बोलेगा तो हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए मदर क्या होना चाहिए, ये भौतिक दुख में है को आध्यात्मिक सुख मिलना है, इसके लिए ये कड़वा कड़वा दवा देना ही पड़ेगा। यही हमारा जिंदगी का एक ही मकसद, ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। ये हम उसके बारे में एक वर्ष है भगवद गीता का, वो अगले तभी मिलेंगे। तो हम अभी अभी विराम करना टाइम हो गया, अभी स्टॉप। हरे कृष्ण, भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय घोर प्रणाम। मेरे को गलती हो गया थोड़ा, हमारा हिंदी तो ठीक नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय रॉटन हिंदी, मेरे को इतना आई एम नॉट इन कंफर्टेबल इन हिंदी बिकॉज आई एम प्रीचिंग मोस्टली इन इंग्लिश एंड तमिल, तो हिंदी एक मंथली वंस होता है, इसलिए मेरा इंग्लिश मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, प्लीज माफ करना है आपको, बच्चे जैसे देखें। और मेरे को ना और सर्वेश प्रभु, श्याम चरण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, सब सीनियर डिवोटीज से उनके सामने बात करना है, मेरे को हक नहीं है। और मर्यादा विक्रमा प्लीज फॉर गिव, मनोहर कृष्णदास प्रभु है और उनके सामने बात करना है, मेरे को डर लगता है। हरे कृष्ण, भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद गौरव। कोई रिलेशन है और कोई गलत बोला है प्लीज प्लीज करेक्ट। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ कमेंट।
हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव से या प्रभु जी की तरफ से सज्जन प्रिय प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान वासुदेव से मिलने का दिव्य अभिमान इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हाँ वंचकल्पित कृपा सुंदर अनंत कोटि वर्ष।